दोस्तों, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हाल ही में भारत दौरे पे आए। ये दौरा काफ़ी पहले ही होना था, लेकिन कोविड पैंडमिक के चलते ये पोस्टपोन होता गया। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये खबर तो आपको पता चल ही गई है, इसमें नया क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल मानते हैं कि आपको इस दौरे से रिलेटेड सभी अपडेट्स की जानकारी तो आसानी से मिल गई होगी, पर बात यह है कि यहाँ हम यूके के पीएम के दौरे को भी डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ग्लोबल पावर्स इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही हैं। रिसेंटली यूएस और इंडिया के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी हुआ, जो यूएस के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस को शो करता है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भी हमने देखा कि कैसे दोनों ही साइड्स ने इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत को हाईलाइट किया। यानी कि दोस्तों, फिर चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, या फिर आसियान और यूरोपियन यूनियन जैसे मल्टीनेशनल ब्लॉक्स, आज हर कोई इंडिया से फ्रेंडशिप करना चाहता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, हम यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है कि यहाँ दोस्ती हो या दुश्मनी, बिना मतलब के कुछ नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की प्रेस्टीज वर्ल्ड स्टेज पर कैसे राइज हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया आइसोलेशन में रह रहा था। एंशियंट टाइम से ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट का दुनिया के बाकी देशों से संपर्क स्थापित हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ही हमने मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसे रीजन्स के साथ ट्रेड रिलेशंस के एविडेंस मिलते हैं, और जैसे जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, फॉरेन नेशंस के साथ रिलेशंस और मजबूत होते ही नज़र आते हैं। रोमन राइटर प्लिनी 77 CE में यहाँ तक लिखते हैं कि दुनिया का सारा गोल्ड इंडिया में आकर सिंक कर जाता है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, उस समय इंडिया वर्ल्ड ट्रेड में डोमिनेंट रोल प्ले करता था। हम कॉटन, स्पाइसेस, आइवरी, जेम्स जैसे आइटम्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, और बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर प्राप्त होता था। यही कारण था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। ट्रेड के साथ साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी शुरुआत हो चुकी थी। मौर्यन टाइम से ही विदेश से एम्बेसडर रिसीव करने का सिलसिला चला आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीक एम्बेसडर मेगेस्थनीज इंडिया आए, और आगे चलकर चाइना तक से एम्बेसडर इंडिया आते हैं, और हमारे राजदूत भी अलग अलग देशों में भेजे गए। इंडिया की बढ़ती हुई वेल्थ का एक नतीजा ये भी होता है कि यहाँ भारी आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, वेस्ट की तरफ से हुए मुस्लिम इन्वेडर्स का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। लेकिन मिडवेल पीरियड में भी इंडिया का कांटेक्ट दुनिया से बना रहता है, और 16 सेंचुरी आते आते यूरोपियन कंपनीज इंडिया पहुंचने लगती हैं। 16 सेंचुरी में ही पोर्टुगल की शिकायत होती है कि साउथ अमेरिका में उनके द्वारा कमाए गए सिल्वर को वो इंडिया में खो दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा को परचेज करने के लिए उन्हें सिल्वर में पे करना पड़ता था। 17 सेंचुरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी कुछ इसी तरह का रोना रोता था, क्योंकि इंग्लैंड को भी बुलियन की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो इंडियंस का इंटरेस्ट किसी भी तरह इंग्लिश गुड्स में पैदा करें, क्योंकि दोस्तों उस समय तक इंडिया ब्रिटिश गुड्स को कंज्यूम नहीं करता था। ये तो 19 सेंचुरी में जाकर होता है कि बुलियन का फ्लो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के सामने इंडियन हैंडलूम्स धीरे धीरे अपनी डिमांड खो देते हैं। फिर कॉलोनियल पीरियड में इंडियन फॉरेन रिलेशंस ब्रिटिश इंटरेस्ट के अनुसार चलाए जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में बस यही एक ऐसा समय था जब इंडिया की प्रेस्टीज वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ खास नज़र नहीं आती। हाँ, लेकिन ब्रिटेन के लिए इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस थी, ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने फ्रांस से लेकर रशिया तक से युद्ध किए अपने इंडियन एम्पायर की रक्षा करने के लिए। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बार फिर इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने अनुसार चलाने के लिए स्वतंत्र था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंडियन फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं, और इसे पंचशील जैसे प्रिंसिपल्स और नॉन अलाइनमेंट से जोड़ देते हैं। इस दौरान इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ भी बनता है। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश इंडिया को एक लीडर की तरह देखने लगते हैं। इंडिया लेट 1940s में इंडोनेशिया का सपोर्ट करता है,
जो डच कॉलोनियल रूल को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज के नेशनल मूवमेंट्स को भी पूरा सपोर्ट दिया जाता है। इंपीरियलिज्म के विरोधी और डेमोक्रेसी के सपोर्टर के रूप में इंडिया की एक पहचान बन जाती है और इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड स्टेज पर अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब रहता है। दोस्तों ये तो एक ब्रीफ एनालिसिस हुआ हिस्टोरिकली वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया के रोल का। अब बात करते हैं कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं कि इंडिया की दोस्ती सबको अच्छी लगने लगी है। अब सिर्फ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड ही नहीं बल्कि सो कॉल्ड बिग पावर्स भी इंडिया के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं। आइए एक एक करके इसके पीछे के रीजंस को समझ लेते हैं। इंडिया में इंटरेस्टेड होने के सभी नेशंस के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ये स्ट्रेटजिक से लेकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट तक वेरी करता है। हाँ कुछ ऐसे ब्रॉड रीजंस हैं जो सभी को इंडिया की तरफ आकर्षित करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मेजर रीजंस की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आज देखा जाता है वो है इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज। दोस्तों इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। इंडिया की करीब 62.5% जनसंख्या वर्किंग एज ग्रुप यानी 15 से 59 की एज को बिलोंग करती है। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज में बाकी देशों की क्या दिलचस्पी हो सकती है। वो ये है दोस्तों कि इसकी वजह से इंडिया दुनिया को एक अट्रैक्टिव मार्केट ऑफर करता है। साथ ही आज मल्टीनेशनल कंपनीज के दौर में लंबे समय तक चीप लेबर के सोर्स के रूप में भी इसे देखा जाता है। डेमोग्राफी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया की स्ट्रेटजिक लोकेशन। इंडियन ओशन के सेंटर में लोकेटेड होने के कारण इंडिया का कॉन्टैक्ट एक तरफ तो मेडिटेरेनियन रूट से आने वाले ट्रेड के साथ बनता है और दूसरी तरफ पैसिफिक रीजन के साथ। वर्ल्ड अफेयर्स में इंडियन ओशन को एक की इमर्जिंग रीजन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लॉजिक है। वर्ल्ड के टोटल मैरिटाइम ऑयल ट्रेड का करीब 80% इंडियन ओशन में लोकेटेड 3 नैरो पैसेजेस ऑफ वाटर से होकर गुजरता है जिन्हें चोक पॉइंट्स भी कहा जाता है। इसमें गल्फ ऑफ ओमान के बीच लोकेटेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अलावा स्ट्रेट ऑफ मलक्का और बाबल मंदेब शामिल है और इंडिया की सेंट्रलाइज्ड लोकेशन उसे इन तीनों ही पॉइंट्स को मॉनिटर और रेगुलेट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। पॉलिटिकली इंडियन ओशन स्ट्रेटजिक कंपटीशन का पिवोटल जोन बनता जा रहा है। चाइना इस पूरे रीजन के क्रॉस अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है जिसे यूएसए जापान फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। यही वजह है कि सभी इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हैं। पर चाहे बात क्वाड ग्रुपिंग की हो या इस रीजन में होने वाली डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे कि मालाबार और वरुणा की, इंडिया के बिना इनकी इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है। चाइनीज थ्रेट के कारण आसियान नेशंस भी इंडिया के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं क्योंकि इंडिया साउथ चाइना सी में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज आज उसे इस काबिल बनाती हैं कि वो सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च कर पा रहा है। और जिस तरह रिसेंट क्राइसिस की सिचुएशन में यूएस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं उससे आसियान नेशंस को समझ आ गया है कि वो अब सिक्योरिटी के लिए सिर्फ यूएसए पर रिलाई नहीं कर सकते। ऐसे में वो इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। जियोग्राफिकल और स्ट्रेटजिक फैक्टर्स के बाद जो फैक्टर हाईलाइट किया जा सकता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग के एस्टिमेट्स के अनुसार 2031 तक 6.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की जीडीपी के साथ इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इतना ही नहीं इंडिया के पास इनॉर्मस रिसोर्सेज पोटेंशियल भी हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो पूरी दुनिया को इसकी तरफ आकर्षित कर ही रही हैं। जैसे कि मार्च 22 में जापान ने यहाँ अगले 5 सालों में $42 बिलियन इन्वेस्ट करने का टारगेट अनाउंस किया। वहीं यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने रीसेंट विजिट के दौरान करीब $1 बिलियन की कमर्शियल डील्स का प्रॉमिस किया। इसी तरह फरवरी 2022 में यूएई ने इंडिया के साथ $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया। यानी कि दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमीज आज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं। अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट में ऐसे बहुत से नेशंस हैं जो अपनी ऑयल कंपनी के दम पर इंडिया से कहीं ज़्यादा वेल्दी कहे जा सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी फ्रेंडशिप की वैल्यू को इंडिया से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडल ईस्ट रीजन का इतिहास और वर्तमान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट से भरा रहा है। वहीं इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बहुत हाई हैं। आज़ादी से लेकर अब तक इंडिया ने कभी भी मिलिट्री रूल को विटनेस नहीं किया जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी देशों में
कू और तख्ता पलट की खबरें आम कही जा सकती हैं, जबकि इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को आज पूरी दुनिया मानती है। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भरोसा इंडिया को बाकी डेमोक्रेटिक नेशंस का नेचुरल पार्टनर बनाता है। फ्रांस हो, यूएसए हो या यूके, सभी इंडिया के साथ शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडियन लीडरशिप यानी पीएम मोदी और इनकी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट की वजह से भी वर्ल्ड लीडर्स का इंडिया को लेकर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता देखा गया है। पीएम मोदी आज वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में काउंट किए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फॉरेन पॉलिसी में उनके बोल्ड इनिशिएटिव्स और लीडरशिप एबिलिटी ने इंडिया को वर्ल्ड अफेयर्स के हाई पेडेस्टल पर खड़ा कर दिया है। पॉलिटिकल फैक्टर से ही रिलेटेड एक और फैक्टर इंटरनेशनल रिलेशंस को गाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और वो है डायस्पोरा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन डायस्पोरा आज मोस्ट वाइब्रेंट और डायनेमिक कम्युनिटी कहा जा सकता है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार करीब 18 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायस्पोरा है। आप सोच रहे होंगे डायस्पोरा और इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया की वैल्यू का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशन है। किसी भी देश का डायस्पोरा रेसिडेंट कंट्री की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति रखता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा के पॉलिटिकल क्लाउड का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील पर वोटिंग के दौरान डाउटिंग लेजिस्लेचर्स को इसके फेवर में टर्न करने पर मजबूर कर दिया था। वहीं कनाडा की पॉलिटिक्स को इंडियन डायस्पोरा किस हद तक इन्फ्लुएंस करता है ये किसी से भी छिपा नहीं है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आज की डेट में इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी के लगभग 200 से ज़्यादा मेंबर्स अलग अलग नेशंस में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। इसमें हाल ही में जुड़ने वाला नाम यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का है। ये लोग टॉप सिविल सर्वेंट से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर्स और हाईएस्ट लीडरशिप पोजीशन जैसे कि पीएम और प्रेसिडेंट की पोस्ट तक होल्ड कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पोर्टुगल के पीएम एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशियस के पीएम प्रविंद जुगनौथ और गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, ये सभी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। अब ऐसी हाई पोजीशंस पर नेटिव इंडियंस के होने का साफ मतलब है कि ये देश इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज अनुभव करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज भी बहुत से नेशंस को इंडिया में इंटरेस्ट लेने को प्रेरित करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को कहा जा सकता है। इनके साथ एंशियंट टाइम से ही इंडिया के क्लोज कल्चरल और रिलीजियस टाइज रहे हैं, और ये टाइज आज भी इंडिया और इन नेशंस के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का काम करते हैं। इसी से मिलता जुलता फैक्टर है इंडियन फिलॉसफी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इसीलिए WTO जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के फेवर में खड़ा होना हो या फिर क्लाइमेट समिट्स में इक्विटी की बात को उठाना, इंडिया हमेशा ही सबको साथ लेकर चलने के पक्ष में रहा है। यही वजह है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के डेवलपिंग नेशंस इंडिया की फ्रेंडशिप की तरफ देखते हैं। वहीं इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंस के रूप में नेपाल, भूटान और प्रेजेंटली क्राइसिस से गुजर रहे श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों की मदद भी करता है। 2022-23 के बजट में सिर्फ अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपीज के डेवलपमेंट असिस्टेंस का प्रावधान किया गया। वहीं नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए 6,292 करोड़ रुपए डेवलपमेंट असिस्टेंस के तौर पर एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से इंडिया के पड़ोसी देशों के अलावा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नेशंस को भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही डिजास्टर के समय में भी इंडिया सफरिंग नेशन की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। बात नेपाल अर्थक्वेक की हो या इंडोनेशियन सुनामी की, इंडिया ने हमेशा ही सबसे आगे बढ़कर रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए हैं। कोविड पैंडमिक के इस कठिन समय में भी इंडिया ने मास्क और हॉस्पिटल इक्विपमेंट से लेकर वैक्सीन तक की सप्लाई ज़रूरतमंद देशों को दी है। इंडिया का ये ह्यूमन फेस भी उसकी फ्रेंडशिप की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। नेशंस को भरोसा है कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज में वो इंडिया पर रिलाई कर सकते हैं। दोस्तों यही सब मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज डेवलपिंग वर्ल्ड से लेकर ग्लोबल पावर्स तक सभी इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इस इंटरेस्ट को और ज़्यादा रेज करने और उसकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है। इसमें हम बात कर सकते हैं मल्टीलेटरल फोरम्स में प्रोएक्टिव रोल निभाने की, फिर चाहे वो ब्रिक्स हो या बिम्स्टेक या फिर UN के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या फिर इसके साथ ही खुद को रीजनल पावर के रूप में कॉन्फिडेंटली और सेंसिबली असर्ट करना हो।
जैसे कि सागर इनिशिएटिव लॉन्च करके या फिर क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन करके आज इंडिया पहले से ज़्यादा रियलिस्ट और बोल्ड फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे कि ग्लोबल पावर्स का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ आकर्षित हो। इसमें हम मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिफेंस में FDI, स्पेस सेक्टर में लिए जा रहे इनिशिएटिव एक्सेट्रा का एग्जाम्पल देख सकते हैं। हालांकि यहाँ कुछ चैलेंजेस का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की फ्रेंडशिप तो सभी नेशंस चाहते हैं, लेकिन उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया को ही जाती है। आज हम देखते हैं कि FDI को लेकर पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस लेवल की FDI रिसीव नहीं होती। इस तरह रेड टेपिज्म की वजह से बहुत सी फॉरेन कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, जो इंडिया की एक अच्छी छवि नहीं बनाती। यहाँ हम इंडिया की टैक्स पॉलिसी की बात भी कर सकते हैं, खासकर वोडाफोन जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के केसेस की। साथ ही फॉरेन नेशंस में जब इंडिया द्वारा चलाए जा रहे किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डिले होता है तो भी इंडिया का रिलायबल पार्टनर का स्टेटस खतरे में पड़ जाता है, जैसे कि रिसेंटली ईरान में चाबहार पोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में देखने को मिला। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि सभी पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन पूरी इंटेग्रिटी के साथ किया गया है, और जो नेशंस इंडिया की फ्रेंडशिप सीक कर रहे हैं उनके भरोसे पर खरा उतरा जाए। साथ ही इनके बीच बैलेंस करना तो अपने आप में एक टास्क है। दोस्तों, ये था एक वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे आज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर में इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर सकता है। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, ग्लोबल पावर्स आर एक्टिवली सीकिंग पार्टनरशिप विद इंडिया इन प्रेजेंट टाइम्स, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।